बस कंटिन्यू स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मेरा पहला लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं जो भी होगा आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। आप लोग सभी अच्छे होंगे आई होप। चलो आज मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। मैं लेक्चर नंबर 1 दे चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 दे चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा और लेक्चर मेरा देखिएगा कैसा लगा। आपको डाउट लगेगा तो उस डाउट पे कमेंट करिएगा, मैं उस डाउट पे आपको सजेशन दूंगा, क्लियर करूंगा उस डाउट को आपको। चलो लेक्चर नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं, बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम आज क्या पढ़ेंगे? तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों को कितने प्रकार में बांटा जा गया है। चलो तब स्टार्ट करते हैं। कोरोना धोरोना बहुत चल रहा है भैया, इस समय अच्छे से रहियोगा, ठीक। चलो तत्वों के प्रकार स्टार्ट करते हैं। तत्वों के प्रकार, देखो प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। पहले ये पता करो कि तत्व होते क्या हैं, तत्व होते क्या हैं। तत्व, देखो तत्वों को प्रकार, तत्व वो होते हैं छोटे छोटे कणों या छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ को, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व क्या होते हैं, पहले तत्व की डिफिनेशन याद पहले लिखते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, तत्व एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट, तत्व कहते हैं। तत्व को कितने प्रकार में डिवाइड कर रहे हैं? तत्व को 3 प्रकार में डिवाइड करेंगे। तत्व को कितने प्रकार में डिवाइड करेंगे? तत्व को 3 प्रकार में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे धातु, जिसको मेटल कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा उपधातु, जिसे मेटलाइट कहते हैं। तीसरा अधातु, जिसे नॉन मेटल कहते हैं, है ना? आपने नाम सुना होगा धातु धातु के बारे में, आप जानते हैं धातु धातु किसे कहते हैं? धातु धातु आपने देखा होगा, मेटलाइट, मेट लाइट, ये नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। राइटिंग मेरी थोड़ा वीकेस्ट है इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। धातु, धातु क्या है? धातु देखिए, धातु कल हम पढ़ाए थे क्या? पीरियोडिक टेबल। आज हम पढ़ाएंगे फार्मूला मेकिंग, मतलब कि फार्मूला मेकिंग, सूत्र बनाना, सूत्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कैसे क्या सूत्र बनाते हैं, ठीक। इसलिए चलो आज स्टार्ट करते हैं। मेटल धातु, धातु होती क्या चीज़ है? देखो धातु, धातु देखो धातु जो होती है, कल मैंने आपको पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा कि धातु होती क्या चीज़ है। देखो धातुएं, धातुएं जो होती हैं ये प्लस चार्ज, मतलब प्लस चार्ज जो होता आवेश, प्लस चार्ज होता है इस पर प्लस चार्ज, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। डोनेट कौन करता है? जिसके पास पॉजिटिव होगा, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि देखिए, जैसे आपके पास, आप पॉजिटिव लेवल में है ना, पॉजिटिव सोच, आपकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है पॉजिटिव, तो आप तो निगेटिव सोच डोनेट नहीं करेंगे दूसरे को जो देंगे, दूसरे को जो बताएंगे आप तो फिर निगेटिव नहीं बताएंगे, आप पॉजिटिव बताएंगे। इसलिए आप जैसे मान लो धनवान है, जिसके पास पैसा आपके पास बहुत है, तो आप गरीब को दान करेंगे, तो आप क्या है पॉजिटिव, के पास पैसा है इसलिए आप गरीब को दान कर रहे हैं। अगर निगेटिव होता आपके पास तो गरीब होते तो इसलिए पैसा लेते, देखिए। इसलिए तत्व जो अधातु होते हैं, धातु क्या है? पॉजिटिव प्लस चार्ज पे होता है। अधातु क्या है? माइनस चार्ज होता है इस पर, माइनस चार्ज, क्योंकि ये ऋण विद्युतीय एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक में जाइएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन है? ऋण विद्युतीय एलिमेंट होते हैं, जिसके पास, इसके पास पैसा कम है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए इसको पैसा डोनेट करेगा,
ये कौन सा हो गया, अधात हो गया। उपधातु है, इस पर प्लस माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस माइनस चार्ज है। किसी का इसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रन, न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलते हैं। देखिए धातु में आपको फार्मूला मैकिंग में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। फार्मूला मैकिंग के बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ आज, मेरा फोकस है फार्मूला मैकिंग, मतलब सूत्र बनाना, और छोटे मोटे रिएक्शन में कराऊँगा, सिंपल रिएक्शन में कराऊँगा। इसलिए आज, इसलिए मैं पिछला जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि आप एक बार जाइएगा, देखिएगा। सबसे पहले आपको पीरियड टेबल में मैं आपको आज बैलेंसी पढ़ाऊँगा, और संयोजकता जिसे बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर, चलो तत्व क्या होते हैं, धातु क्या होती है। धातुएं देखो, धातुएं प्लस चार्ज होती है, धातुओं में खींचने, देखो धातुओं को पीटने से उन पे खींचने में, धातुओं को पीटने से उसमें फैलने का गुण पाया जाता है। धातुएं भंगुर होती हैं, देखो इनमें प्लस चार्ज पाया जाता है, ठीक, प्लस चार्ज पाया जाता है। धातु कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, धातु, धातु जो धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु कौन कौन से, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं खींच ले जाऊँगा वीडियो। धातु एस और डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, धातु होते हैं, जिसको मेटल कहते हैं, मेटल, मेटल। एस और डी ब्लॉक में, एस और डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वीडियो देखिएगा, लिखा है 0 से 0 लेवल केमिस्ट्री, आज मैं पढ़ा रहा हूँ 0 से 0 लेवल, उसमें देखिएगा तो पता चल जाएगा डी और एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसमें देखो उपधातु में बताऊंगा, पहले मैं नॉन मेटल बता दूँ, नॉन मेटल कौन कौन से हैं, नॉन मेटल पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, पी ब्लॉक के एलिमेंट, घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल होते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका, उपधातु कौन कौन से, उपधातु के एलिमेंट है, उपधातु के एलिमेंट सबसे पहले बिस्मत, सिलकान, आर्सेनिक, टेलिनियम, स्टार्टिन। देखो बिस्मत कौन कौन से हैं, बिस्मत, सिलकान, टेलिनियम, आर्सेनिक, ठीक, स्टार्टिन, स्टार्टिन, ये कौन से हैं, उपधातु है, उपधातु मतलब न्यूट्रल, जर्मेनियम, एंटामनी, Sb, जर्मेनियम, Se, एंटामनी, Sb, ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, उपधातु एलिमेंट हैं, सेलेनियम, बस आवर सारणी में इनके अलावा आर टोटल 180 एलिमेंट, मतलब 148 तत्व में सबसे ज़्यादा इनके पास उपधातु, उपधातु मात्र कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन से, कौन कौन से, बिस्मत, बिस्मत, सिलकान, टेलिनियम, आर्सेनिक, स्टार्टिन, सेलेनियम, सेलेनियम और एंटामनी, एंटामनी और कौन से, एंटामनी, जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है, सेलेनियम नहीं है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ये सेलेनियम है, ये जर्मेनियम, सेलेनियम है, ठीक, बिस्मत, सिलकान, टेलिनियम, आर्सेनिक, स्टार्टिन, जर्मेनियम, एंटामनी, सेलेनियम, ये कौन से एलिमेंट है, उपधातु एलिमेंट है। चलो उपधातु एलिमेंट में, इसमें न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज कुछ नहीं, चलो इसको मिटा देते हैं। नोट देखो, नोट में क्या आपको देखना है, नोट में ध्यान देना है, जो नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, नोट में, नोट में आपको क्या ध्यान देना है, नोट मेन ध्यान, जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक, जो हाइड्रोजन हीलियम छोड़कर सब धातुएं हैं, ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर सब धातु हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और हाइड्रोजन एस ब्लॉक के एलिमेंट में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम दो एस ब्लॉक के एलिमेंट है पर जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, इसको मैं जब आपको पढ़ाऊंगा हेलोजन, ये हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। चलो इसको आप मिटाते हैं, अब आपको सिखाएंगे, हम आपको सिखाऊंगा, क्या आप लोग सीखना चाहते हैं, परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर कैसे निकालें, सबसे इजी तरीका मैं बताऊंगा आपको, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किस तरह से निकाला जाता है, बहुत ट्रिक, ट्रिक के बेस पे मैं चलूंगा, एकदम इजी बेस से ट्रिक, क्या आप जानना चाहते हैं एटॉमिक नंबर किस तरह से निकालें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आप जानना चाहते हैं किस तरह से निकालें, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमको पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट जो सिंबल होता है ना उसे ध्यान देना पड़ेगा, सिंबल प्रतीक इसको बोलते हैं,
चलो एटॉमिक नंबर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। आपको मैं बहुत इजी वे ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक मेरी ट्रिक मैं ट्रिक अलग ही मेरी ट्रिक रहती है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। टॉपिक का नाम रहेगा परमाणु क्रमांक निकालना। क्या रहेगा नाम? परमाणु क्रमांक कैसे निकालें, निकालें ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे बेहतरीन ट्रिक, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल ये बोलेगा परमाणु क्रमांक दे देगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता चलेगा, आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से आएंगे, पहले हमको परमाणु क्रमांक पता करना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक पता करेंगे तभी हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कमेंट करिए। इसलिए आपको हम समझाने के लिए यहाँ हैं, एकदम इजी इजी ट्रिक बताने के लिए आपको यहाँ हैं। चलो स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक। देखो आपको दो एलिमेंट, दो दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, दो मतलब दो ट्रिक बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लिखना है, फर्स्ट स्टेप में सब पहले हाइड्रोजन और हीलियम, कितना दो हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट को आपको याद करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, द्वितीय वर्ग के प्रथम तत्व को आपको याद करना है, द्वितीय वर्ग के प्रथम तत्व को आपको याद करना है। ठीक, अब द्वितीय वर्ग के प्रथम तत्व कौन कौन से हैं आप बताएंगे जरा मुझे। द्वितीय वर्ग के प्रथम तत्व को सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन और हीलियम को आपको याद करना है। दो एलिमेंट ओनली, दो स्टेप बताऊंगा, दो स्टेप में पूरा गेम बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक किसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक निकालना। देखो हाइड्रोजन हीलियम को आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में है हाइड्रोजन हीलियम को आपको दो एलिमेंट याद करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप द्वितीय वर्ग के प्रथम तत्व को आपको याद करना है, द्वितीय वर्ग के प्रथम तत्व कौन सा, एस ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप को उसको याद कर। द्वितीय वर्ग का प्रथम तत्व जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपको देता हूँ, फर्स्ट ग्रुप है लीना फिर रबड़ी से फूट निकला। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या लिखना है, देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट हाइलीना से रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, हाइलीना से रबड़ी से फ्रूट निकला। इतना देखो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का याद करना है, हर एक वर्ग के एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को आपको याद करना है। ठीक, इसका हाइड्रोजन का एक होगा। देखो इसमें क्या करना है, आपको प्लस टू जोड़ना है, इसमें ओनली क्या करना है, दो जोड़ना है आपको हर एक एलिमेंट में जोड़ के दो जोड़ना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले दो जोड़ना हर एक एलिमेंट पे, फर्स्ट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट पे कितना जोड़ना है, दो जोड़ना है। क्या जोड़ना है, दो। किस तरह जोड़ना है, चलो मैं आपको देखता हूँ। जैसे लिथियम का कितना होता है, देखो एक इसके साथ जोड़ दिए, चलो लिथियम का निकालते हैं, एक इसके साथ जोड़ दिए, एक ये हो गया हाइड्रोजन का, दो ये कितना होगा, तीन। लिथियम कितना होगा, तीन होगा। ठीक, चलो जैसे अब हम फर्स्ट ग्रुप जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अब ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे मान लो नाइट्रोजन का पाँच होता है, ठीक, नाइट्रोजन का सात होता है कि पाँच होता है। नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, पंद्रहवें ग्रुप का। नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटामनी बिस्मत। ठीक,
नाइट्रोजन का पता हो भैया कितना होता है आप लोग। चलो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग याद करते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जैसे फर्स्ट ग्रुप मतलब एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है सबसे पहले देखो। एस ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। एस ब्लॉक के एलिमेंट को किस तरह निकाले, पूरे जितने हैं लीना फिर अबड़ी से फूट निकला ना, हर एक एलिमेंट जैसे इसका भी इसका भी इसका भी इसका कैसे निकालते हैं, ठीक। मैं आपको सब बताऊंगा एकदम, एक एक बता दूंगा आप सबको, आपको करना है ठीक। गूगल मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच के ले जाऊँगा। देखो क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, देखो आपको क्या करना है, देखो इसमें देखो ट्रिक में क्या लिखना है, 8 18 आठ आठ, देखो क्या करना है, 8 8 ठीक, 8 8 18 32 ये जोड़ना है ठीक, 8 8 18 32। चलो कैसे जोड़ते हैं एग्जाम्पल में लेता हूँ, 8 8 18 32, 8 8 18 32 में क्या करना है देखो। हेलिना से रबड़ी से फूट निकला, हेलिना से रबड़ी से फूट निकला, हेलिना से रबड़ी से फूट निकला ठीक। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, यहाँ गलती हो गई थोड़ा, क्या गलती हो गई चलो इसको मिटा देते हैं। हेलिना से रबड़ी से फूट निकला, देखो हेलिना से रबड़ी से फूट निकला, हेलिना से रबड़ी से फूट निकला, देखो हाइड्रोजन लिथियम, हेलिना से रबड़ी से फ्रूट निकला, यहाँ गलत कर दिया। आप लोग भी ध्यान नहीं देते, मैं भी ध्यान नहीं देता है ना, ध्यान देंगे यार ऐसी बात नहीं है, ध्यान देने के लिए आया हूँ कि मैं आप लोगों की जो माइंड कंसंट्रेशन है मैं देख रहा था कैसा कहाँ चल रहा है ठीक। गलत करना चाहिए, गलतियाँ करने से सीख मिलती है, इसलिए गलत पढ़ाएंगे नहीं आपको, मुझे पता था। क्योंकि देखो हेलिना से रबड़ी से, आपको फर्स्ट ग्रुप को याद करना है, एक एलिमेंट आपको याद करना है, दूसरे एलिमेंट में दो जोड़ना है, तीसरे एलिमेंट देखो सोडियम करते हैं ठीक, सोडियम का ठीक, सोडियम का चलो सोडियम करते हैं। सोडियम का कितना होता है, कितना होता है वो नहीं पता मुझे, 8 जोड़ना है ठीक, किसमें 3 में, कितना जोड़ना है 8, कितना जोड़ना है 3 में, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, सोडियम कितना होता है 11 ठीक, सोडियम का 11 होता है। आप चलो ऐसे ना सोडियम का 11 होता है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, पीछे बैक पॉज करके जिसको ठीक। देखिए क्या करना है आपको, सोडियम का निकल गया, फिर पोटेशियम निकालते हैं ना, पोटेशियम का, पोटेशियम का कितना होता है मुझे नहीं पता, पोटेशियम कितना होता है, 11 है 8 ना, 11 में 8 जोड़ना है, कितना 11 प्लस 8 कितना हो गया 19, पोटेशियम का आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में कितना होता है 19 ठीक, पोटेशियम का 19 ठीक, कितना पोटेशियम का 19 ठीक। अभी परमाणु क्रमांक नहीं बताऊंगा, परमाणु क्रमांक बताऊंगा बट वो याद करना पड़ेगा, आपको ट्रिक बताऊंगा। फिर रुबेडियम का आर बी ठीक, आर बी रुबेडियम का, रुबेडियम कितना देखो 19 में हम कितना जोड़ेंगे 8 8 18 ठीक, कितना हो गया 8 8 18, अब 18 जोड़ेंगे 19 में प्लस 18 कितना होगा 9 8 17 1 2, 18 19 प्लस 18 जोड़ो 9 8 17 9 8 17 1 2 1 3 ना, कितना हो गया 9 8 17 के साथ हासिल 1 2 1 3 37 ठीक, ये कितना होगा 37, आर बी कितना होता है 37 ठीक, 37 होता है क्या और ज़्यादा होता है 57 कितना होता है 37 होता है। अब यहाँ सीजियम भी है, अब देखो यहाँ सीजियम भी है, अब फिर क्या करेंगे 8 18 18 32, फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें 37 में फिर 18 जोड़ेंगे, सीजियम का निकालेंगे 37 प्लस कितना 18 कितना हो गया 37 पर 18 कितना हो गया, अब जोड़िए 37 पर 18 कितना हो गया 55, 8 7 15 3 1 4 1 5 55, सीजियम का 55, फ्रेमफियम का जोड़ो 55 प्लस 32 ठीक, 55 प्लस 32 कितना हो गया 55 प्लस 32, 55 प्लस 32 कितना हुआ 87 87। देखो आपको क्या करना है, सीधा देखना है बोर्ड पे, फोकस करो, फोकस माइंड कंसंट्रेशन, माइंड हेयर
फोकस हेयर ऑन द बॉट, माइंड हेयर फोकस हेयर ऑन द बॉट, माइंड खोलो माइंड हेयर, आँख खोलो माइंड खोलो, फोकस हेयर ऑन द बॉट। देखो क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिथियम किसी भी ग्रुप को फर्स्ट एलिमेंट को याद करना है आपको, सेकेंड एलिमेंट दो जोड़ना है, दो जोड़ने के बाद आपको देखो जैसे सोडियम का मैं कर रहा हूँ, सोडियम में एस ब्लॉक एलिमेंट है, सोडियम का यहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सोडियम को, सोडियम में सोडियम देखो यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग, सोडियम में आठ में आठ में तीन जोड़िएगा, आठ तीन ग्यारह हो गया, सोडियम में ग्यारह होता है, पोटेशियम में आठ में ग्यारह मार जोड़िएगा उन्नीस हो जाएगा, पोटेशियम को उन्नीस होता है, रुबेडियम में उन्नीस में अठारह जोड़िएगा सैंतीस होता है, फीजियम में इकतीस में सैंतीस में सैंतीस में सैंतीस इकतीस नहीं सैंतीस में सैंतीस में अठारह जोड़िएगा पचपन होता है, पचपन फ्रेंसियम में पचपन बत्तीस जोड़िएगा सतासी होता है। ठीक, ऐसे आपको ट्रिक करना है, मैं एक दो और बता दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं बताऊँगा, एक आपको सब बता दूंगा, आप करेंगे क्या पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, अब मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट बताऊँगा। ठीक, फर्स्ट में पी ब्लॉक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, इसका पॉज करके वीडियो, पी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रिक बताना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक ओनली, पीरियोडिक टेबल आप लोग कल रटा दिए बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। अब पी ब्लॉक एलिमेंट के क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ट्रिक, मतलब पी ब्लॉक तत्व के लिए ट्रिक। ठीक, क्या करना है आपको, सीधा ट्रिक पे जाता हूँ, ट्रिक क्या है, हैप ट्रिक जिसको बोलते हैं, या चेपी हैप ट्रिक, मेरी हैप ट्रिक बहुत लाजवाब होती है भाई, जल्दी किसी के पास मिलती नहीं। हैप ट्रिक में क्या करना है आपको, सीधा आठ आठ, देखो क्या करना है, देखो सीधा दो आपको दो जोड़ना है, फिर दो ओनली दो दो चीज स्टेप जोड़ना है, पी ब्लॉक में एलिमेंट आठ अठारह, देखो आठ अठारह अठारह क्या करना है, बत्तीस, आपको किस पे फोकस करो, आठ आठ अठारह बत्तीस, उसमें क्या था आठ आठ अठारह बत्तीस में क्या है, आठ अठारह अठारह बत्तीस। चलो पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप कौन मेरे एलिमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मान लीजिए मैंने बोरान लिया ना, बोरान बोरान, ठीक, बोरान कितना होता है, देखो बोरान का होता है पाँच ना, देखिए दो इसमें करके तीन इसमें हो गया, कितना हो गया पाँच, ठीक, बोरान का पाँच होता है। ठीक, अब देखो बोरान का पाँच होता है, बोरान के बाद एक एक एलिमेंट और ले रहे थे एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम पाँच प्लस आठ, इसको जोड़ो, इसको यहाँ जोड़ो आठ, तो कितना होगा तेरह, एल्यूमिनियम का तेरह होता है। फिर एक दो एलिमेंट और लेते हैं, इस ग्रुप को ख़त्म करते हैं, गैलियम, गैलियम कितना देखो, गैलियम गैलियम देखो गैलियम कितना होता है, तेरह प्लस, पता नहीं हमको कितना होता है, तेरह प्लस अठारह, तेरह प्लस अठारह आठ तीन ग्यारह की एक हाथी लेक दो एक तीन, कितना हो गया इकतीस। ठीक, ऐसे होता है भैया, इकतीस होता है और ज़्यादा इकतीस होता है। इंडियम जोड़ते हैं, चलो इंडियम का, इंडियम, इंडियम में क्या करना है, इकतीस प्लस क्या करना है, अठारह जोड़ना है मुझे, अठारह इकतीस अठारह आठ एक नौ, आठ एक नौ तीन एक चार, कितना हुआ उनचास। ठीक, आपका करना है, आपको फोकस करना है इस पर, ठीक, बोर्ड पे करना है। देखो कैसे क्या हो गया, पहले सबसे पहले आपको करना है पाँच, फर्स्ट एलिमेंट आपको याद करना है पाँच में, देखो पाँच में आठ जोड़ेंगे, कितना पाँच में कितना जोड़ेंगे आठ, कितना आठ यहाँ जोड़े, आठ पाँच तेरह अठारह, तेरह हो गया, तेरह किसका हो गया एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का हो गया तेरह, फिर गैलियम में जोड़ेंगे तेरह अठारह, कितना हो गया ये अठारह, इसको जोड़ेंगे हम ग्रुप बाय ग्रुप, पहले एक एलिमेंट जोड़ेंगे फिर इसे जोड़ते चले जाएंगे आठ अठारह अठारह बत्तीस। ठीक, ऐसे इसको जोड़ दिए ना, इसको जोड़ दिया तो इसको नहीं जोड़ना है आपको, अगर इसको मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, देखो आपको ध्यान देना, इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो इसको नहीं जोड़ना है। ठीक, अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो इसको नहीं जोड़ना है, अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो इसको नहीं जोड़ना है, अगर मैं इसको जोड़ दिया तो इसको नहीं जोड़ना है, जिस एलिमेंट को मैं एक बार जोड़ दिया, जिस नंबर को मैं एक बार जोड़ दिया दोबारा उस नंबर को जोड़ना नहीं है। ठीक, यही करना, देखो गैलियम में तेरह है, तेरह जो जो एलिमेंट का आंसर आया, आंसर आके यहाँ लिखा तेरह में, ये स्टेप इस स्टेप को उठाया अठारह लिखा, अठारह में इकतीस आया, इंडियन में इकतीस में फिर अठारह लिखा, इकतीस में अठारह जोड़ा उनचास आया, उनचास में फिर मैं उनचास, देखो चार एलिमेंट है ना, एक दो तीन बोरान गैलियम, कौन कौन से एलिमेंट हैं, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम टाइटेनियम, ठीक, टाइटेनियम टाइटेनियम टी आई टाइटेनियम, इसमें क्या करना है, उनचास में हमको क्या करना है, एक एलिमेंट बचा है मेरा, उनचास में बत्तीस कर देना है, कितना आ गया इक्यासी आ गया, देखो नौ दो ग्यारह की एक हासिल एक एक हो गया, चार तीन सात एक आठ इक्यासी आ गया। आपको सिर्फ यही करना है, फोकस करना है, दो एलिमेंट या तीन आप करना है, ट्रिक यही है, पी ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक, जो ट्रिक है ना यही है ट्रिक, केमिस्ट्री देखो ऐसे पढ़ाई जाती है, ट्रिक से ट्रस्ट के नहीं पढ़ाई जाती, यही ट्रिक है, आपको यही चीज़ याद करना पड़ेगा,
पी ब्लॉक एलिमेंट की सबसे आसान तरीका परमाणु क्रमांक निकालना, परमाणु क्रमांक को जी जेड से डिनोट करते हैं, सबसे अच्छा तरीका परमाणु क्रमांक निकालना, परमाणु क्रमांक मैं बड़े बड़े में लिख दे रहा हूँ, परमाणु क्रमांक निकालना निकालना, ठीक सबसे बड़े बड़े में लिख दे रहा हूँ निकालना, आपको एक बार बोर्ड वीडियो पास करना है और देखना है आप, ठीक। अब मैं ठीक, और आप लोगों को इस ट्रिक को बहुत ध्यान में रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कोई ट्रिक है बट उसको आपको एक ग्रुप में याद करना है, वर्ग में, जैसे स्कैंडियम, पैट्रियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फ्रेंड्स क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और जिंक, कॉपर ना ऐसे ना, निकिल फिर है जिंक, कॉपर, कॉपर फिर है जिंक, कैसे याद करना है। चलो मैं कुछ लो आपको और कुछ बताता हूँ, आपने यस ब्लॉक के एलिमेंट तो सिंपल में पढ़ लिया, चलो ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ, ठीक ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या करना है, करना क्या है आपको ऑक्सीडेशन नंबर में, अरे थोड़ा थक गया था यार, पानी उनी पीने लगा था, आप लोग भी पानी पी लीजिए। और ये मेरा चैप्टर, ये मेरा टॉपिक का जो लास्ट एंड पॉइंट था उसको मैं ख़त्म कर दिया, अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, कल मेरा तीसरा लेक्चर होगा फार्मूला मेकिंग, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन फार्मूला, मतलब सूत्र बनाना जिस और रासायनिक समीकरण बनाना, ठीक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रासायनिक समीकरण और सूत्र बनाना, फार्मूला मेकिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक फिर ट्रिक पढ़ाऊंगा, ट्रिक वे पे ट्रिक पे पढ़ाऊंगा मैं, ज़्यादा हाई फाई मैं लेवल से नहीं ले जाऊंगा, जीरो से आपको हीरो बनाना है मुझे, तो आप छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखना होगा आपको। सबसे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल सबसे बड़ा गेम है, अगर पीरियोडिक टेबल आप लोगों को नहीं याद होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बैलेंस ही मुझे पता चलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर पता चलेगा, परमाणु क्रमांक पता चलेगा, परमाणु भार पता चलेगा, इसलिए आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ऑक्सीडेशन नंबर उम्र कल बताएं कैसे क्या करते हैं। और आप लोग वीडियो वीडियो देखते हैं मेरा कि नहीं यार, देखना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी क्वेश्चन होगा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके लिए तैयार हूँ, और इसीलिए मैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, इसलिए सर अमन सर ने मुझे बहुत सपोर्ट कहा कि सर आप आइए, मेरे बच्चों को डिमांड है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाए सर, इसीलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाने आपके यहाँ आया हूँ प्लेटफॉर्म पे, इसलिए आप लोग केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करिए, केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार एकदम फनी सब्जेक्ट है, खूब पढ़िए, खूब मज़ा लीजिए, और क्या बात है ना, मैं बहुत फनी पढ़ाऊँगा, फनी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, फनी एकदम फनी लेवल से मज़ा आ जाएगा, कल मैं देखो किस तरह बेहतरीन तरीके से लेक्चर दूंगा आपको, आप सोचे भी नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, आपको नोट्स मेरे साथ बनाते रहना, ठीक आप पेन कॉपी लेके नोट्स बनाएंगे तभी मज़ा आएगी। देखो आपको क्या करना है, जो मैं पाठ पढ़ा दिया आप वीडियो देखें, तुरंत रिवाइज करिए, तुरंत क्वेश्चन करिए, उसके बेस पे क्वेश्चन करिए, पूछे क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन दुनिया कहीं से होने, धरती पर बता रहा हूँ, धरती पर कहीं से भी क्वेश्चन ला के हमसे पूछिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कोशिश करूँगा अच्छी सफिक तरीके में दूँ, और आई होप आप लोग सही होंगे, I will take care, I will next time tomorrow मिलूँगा आपसे, और एक शानदार वे में, और आप लोग भी टाइम ओवर हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को यहीं से क्लिप समाप्त करता हूँ, और कल आपसे मिलते हैं, थैंक यू, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सब कुछ आपके लिए, और आप अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।